नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोइनएक्स से हम किसी और एक्सचेंज में अपने रिपल को भेज सकते हैं। आप कोइनएक्स से किसी भी एक्सचेंज में रिपल ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे वो बाइनेंस हो, जेपे हो, ओनोकॉइन हो या कोई और एक्सचेंज हो जो रिपल सपोर्ट करती है। आप कोइनएक्स से उस एक्सचेंज में अपने रिपल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट में, पर उससे पहले आपने क्या करना है, रिपल एड्रेस कॉपी करना है। जिस एड्रेस पे आप रिपल को भेजना चाहते हो उस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जिस एक्सचेंज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बाइनेंस में लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे जब आप फंड्स टैब पे अपना माउस कर्सर लेके जाओगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे XRP सर्च कर लेना है। ये देखिए XRP आ गया। यहाँ पे ये देखिए कुछ एक्सचेंज में ये क्या होता है, आपको दो चीज़ें एंटर करनी पड़ती हैं जब आप रिपल ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे कि पहले होता है एड्रेस और दूसरे नंबर पे होता है टैग। अगर आप सिर्फ एड्रेस कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हो, टैग नहीं डालते, तो आपके फंड डिलीवर नहीं होंगे और वो आपको रिफंड भी नहीं होंगे आपके अकाउंट में। तो इसलिए ये ध्यान रखें, जिस भी एक्सचेंज में आप रिपल ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर उस एक्सचेंज में एड्रेस और टैग दो चीज़ें हैं तो आपको वो दोनों एंटर करनी है जब आप रिपल ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे XRP सर्च करने के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे ये देखिए ये आपका XRP एड्रेस आ गया है और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन टैग, डिपॉजिट टैग ये है, इसको भी आपने एंटर करना है जब आपने रिपल ट्रांसफ़र करने हैं। इसी तरह अगर आप किसी और एक्सचेंज, जैसे मैंने ओनोकॉइन में भी लॉगिन करके रखा हुआ है, यहाँ ओनोकॉइन में आपने अपना XRP एड्रेस ढूंढने के लिए क्या करना है, डिपॉजिट ऐप में जाना है और यहाँ पे XRP पे क्लिक करना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए रिक्वेस्ट एड्रेस, इस पर आपने क्लिक करना है। एड्रेस सक्सेसफुली जनरेटेड, ओके। यहाँ पे ये देखिए मेरा XRP एड्रेस भी आ गया है। यहाँ पे भी ये देखिए आपका ये रिपल एड्रेस है, ऐसे ही आपको आपका रिपल एड्रेस दिखेगा और ये डेस्टिनेशन टैग है, इसमें भी आपको डेस्टिनेशन टैग एंटर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास लेजर नैनो एस जैसे हार्डवेयर वॉलेट हैं तो वहाँ पे डेस्टिनेशन टैग नहीं होता है। तो जब भी आपने जहाँ पे भी आपने रिपल ट्रांसफ़र करने हैं, ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि अगर डेस्टिनेशन टैग है तो आपको वो एंटर करना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपके फंड डिलीवर नहीं होंगे। ओके, अभी जिस भी एक्सचेंज में आपने रिपल ट्रांसफ़र करने हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको रिपल एड्रेस को कॉपी करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी आपने यहाँ पे कोइनएक्स में बैक जाना है, यहाँ पे फिर आपने बैलेंसेस टैब दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कोइन वॉलेट, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन करके रिपल ढूंढ लें। यहाँ पे ये देखिए ये रहा रिपल। अभी आपने जैसे यहाँ से सेंड करने हैं तो यहाँ विड्रो, इस पर आप क्लिक करोगे। अभी वॉल्यूम, यहाँ पे आपने कितने रिपल भेजने हैं, यहाँ पे एक ध्यान रखें किसी नए रिपल एड्रेस को बुक करने के लिए मिनिमम 20 XRP आपको सेंड करने होते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी नए एड्रेस पे रिपल भेज रहे हो जिसमें पहले कोई रिपल नहीं है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 21 रिपल सेंड करें। अगर ऑलरेडी उस एड्रेस में रिपल हैं, जैसे मोर देन 20 रिपल्स हैं, तो आप कोई भी अमाउंट के रिपल यहां से सेंड कर सकते हो। तो यहां पे जिस एड्रेस पे अभी मैं भेज रहा हूं वहां पे 0 रिपल थे, तो इसे मैं क्या करता हूं 22 रिपल सेंड करता हूं उसमें। डेस्टिनेशन वॉलेट एड्रेस, यहाँ पर हमने जो एड्रेस कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। इसी तरह मैं अभी बैक जाता हूँ और डेस्टिनेशन टैग, ये देखिए डेस्टिनेशन टैग, इसको कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिए इस डेस्टिनेशन टैग, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर देना है। रिमार्क, ये ऑप्शनल फील्ड है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ टू ओनोकॉइन। यहाँ पे ये देखिए 0.02 XRP लगेंगे अगर मैं 22 रिपल भेजता हूँ। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने अपने अकाउंट से रिपल भेजने के लिए।
यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप जिस एड्रेस पे रिपल भेज रहे हो वहाँ पे कोई डेस्टिनेशन टैग नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर डेस्टिनेशन टैग नहीं है तो आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना है। तो यहाँ आप 1 2 3 4 5 6 लिख देना आपने, अगर डेस्टिनेशन टैग नहीं है तो, अगर है तो आपको यहाँ पे वो ज़रूरी लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करना है और वहाँ पे जो कोड है उसको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं अपना गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड है यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट इस पे क्लिक करता हूँ। दैट इज इट, यहाँ पे ये देखिए विथड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, हमने सक्सेसफुली अपने अकाउंट से रिपल ट्रांसफर कर दिए हैं। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी कोइनेक्स एक्सचेंज से किसी भी एक्सचेंज में रिपल ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर